अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। इस दौर में अगर कोई याद रखेगा तो वो साल 2020 ही होगा, क्योंकि इस साल कोरोना जैसी महामारी ने देश दुनिया की वो तस्वीर दिखाई जो शायद ही कोई भूले। ऐसे में शादी त्योहारों में रौनक है ना खुशी। शुक्रवार को देश जहां खुशियों में कटौती कर ईद की तैयारी में लगा था, वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक बुरी खबर सामने आई, जहां एक व्यक्ति की गौकशी के शक में कुछ कथित गौरक्षकों ने बुरी तरह मारा पीटा। शुक्रवार सुबह 9 बजे करीब कुछ गौरक्षकों ने एक पिकअप गाड़ी का पीछा किया। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर उसकी हथौड़े से पिटाई करनी शुरू कर दी। ताज्जुब की बात यह है कि वहां गुरुग्राम पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। व्यक्ति का नाम लुकमान बताया जा रहा है, जिसे गुरुग्राम पुलिस के सामने ही पीटते हुए कथित गौरक्षक उसी की गाड़ी में डालकर 8 किलोमीटर दूर बादशाहपुर ले गए और वहाँ भी पीटने लगे। थोड़ी देर में वहाँ की पुलिस आई और उन्होंने लुकमान की जान बचाई। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने बादशाहपुर के SHO को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उस समय बात करने से इनकार कर दिया। लुकमान का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जहाँ एक तरफ देश वैसे ही एक गंभीर बीमारी से मर रहा है, वहाँ मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने में भी जरूरत पड़ रही है। हमारा देश जिसे विविधता से भरा हुआ बताया जाता है, वहाँ एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति ये नफरत बढ़ती ही जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सब के पीछे हमारे मनुस्ट्रीम और गोदी मीडिया के साथ साथ प्रशासन और हमारे नेताओं का भी हाथ है। हमारे संवाददाता आशीष कटारिया ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का विस्तार से समझने की कोशिश की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार के पीछे जेल रोड पर, जहाँ पर जामा मस्जिद आपको आगे दिख रही होगी। यही वह जगह है जहाँ पर 3 दिन पहले लुकमान नामक युवक को बुरी तरह से पीटा गया था 2 मार्च के शक में। तो आप इधर देख सकते हैं, यही वो जगह है। यहाँ के बाशिंदे बता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बिजी प्लेस है और एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है। यहाँ के लोगों का बताना है कि यहाँ पर खुले आम और पुलिस की मौजूदगी में लुकमान को पीटा गया। ताहिर जी, आज से 3 दिन पहले क्या हुआ था यहाँ पे? ये सर, हमारा मीट आता है यहाँ मार्केट में, हमारी 50-60 साल से दुकान है, कोई नया काम नहीं है। और भैंस का मीट आता है, सबको पता है, पूरे इलाके को पता है। तो यहाँ हमारी गाड़ी आ रही थी बादशाहपुर से, कुछ लोग उसके पीछे लगे गाड़ी के, 5 बाइक मोटरसाइकिल, 10-12 आदमी थे। वहाँ से गाड़ी को भगा भूकू के ड्राइवर डर के मारे और यहाँ तक ले आया मार्केट तक। मार्केट में पुलिस होते बावजूद उन्होंने उस पर वार करा लाठियों से, डंडों से, हथौड़ों से, सरिया से, और फिर यहाँ से मार पिटाई करके पुलिस के ही सामने उसको 56 की बत्ती पे वापसी ले गए बादशाहपुर के लिए, गाड़ी समेत उठा कर गए। फिर वहाँ मार पिटाई किया उसके साथ। इस टाइम भी थी, वीडियो में है, पुलिस सामने आई पड़ी है। ठीक है, तो और फिर 100 नंबर पे मैंने कॉल किया जब बादशाहपुर से पीछे लगे, उसी टाइम से मैं कॉल करने लगा। मैंने 5 बार फोन किया, पुलिस आई 1.5 घंटे बाद। मेरा नाम फखरुद्दीन है जी। फखरुद्दीन, तो फखरुद्दीन, 3 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था? यही वो जगह है? ये जगह है जी, यहाँ पे गाड़ी आ रखी थी वो, और यहाँ पे रोड रोलर से या सरिया से थोड़ा सा यहाँ मारा था उस बंदे को, यहीं थी ना, वहाँ से पटक के उसको लेते गए। यहाँ से सारी वारदात हुई, यहीं से वारदात हुई, यहीं से पटक वापसी सीधा बाद से पटक रख ले गए। तो आप सभी ने देखा था? सब ने, हम वहाँ मौजूद, पुलिस भी मौजूद थी। ऐसा नहीं है मॉब लिंचिंग पहली बार, एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 से साल 2019 तक 133 लोगों की मॉब लिंचिंग में जान गई, और इन घटनाओं में मरने वाले सबसे ज्यादा दलित मुस्लिम समुदाय के ही हैं।
जिनमें सबसे ज्यादा लिंचिंग उत्तर प्रदेश में हुए। इनकी जान केवल एक शक के आधार पर गई, किसी पर गौमांस रखने का शक, किसी पर चोरी का शक। अगर आपको केरल के मधु की शक याद है तो आपको ये भी याद होगा कि उन्मादी भीड़ ने उसकी केवल इसलिए पीट पीट कर हत्या कर दी थी क्योंकि वो भूखा था और खाने के लिए उसने रोटी की चोरी की थी। बिल्कुल सही सुना आपने, 27 साल की मधु ने केवल रोटी की चोरी की थी जिसके बदले उसे मौत मिली। कभी आपने सोचा है कि इतने सख्त कानून बनने के बाद भी इस उन्मादी भीड़ की हिम्मत बढ़ती क्यों जा रही है? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस सवाल का जवाब वीडियो के शुरू में ही है। जी हाँ, जब शुक्रवार को लुकमान को पीटा जा रहा था तो वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले युवकों को पुलिस मूक बनकर देख रही थी। तो पुलिस की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली थी? क्या मदद, जो पुलिस मौके पर नहारी वारदात के टाइम डेढ़ डेढ़ घंटे बाद आ रही है, आगे से क्या सपोर्ट रहेगी? 100 नंबर का मतलब क्या होता है? 5 मिनट में हर जगह पुलिस पहुंचना। 100 नंबर किस लिए बनाया गया? तो आप अभी क्या चाहते हैं, मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं अभी? हम तो ये कार्रवाई चाहते हैं कि एक आदमी गिरफ्तार हो उनमें से और जो मुकदमा बनने का हक है अगवा करके ले गए यहाँ से। एक आदमी को 20 शहर में से ले जाना और अपने घर ले जाके नहीं, उठा के नहीं, फिर उसको मारना। पिछले साल अगस्त में एक स्टडी सामने आई थी जिसे एक एनजीओ कॉमन कॉज और CSDS यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने देश भर के पुलिस कर्मियों पर सर्वे किया था। सर्वे में पुलिस वालों की राय से मालूम होता है कि अगर कोई भी भीड़ गौकशी के मामले में किसी व्यक्ति को सजा देती है तो ये एकदम स्वाभाविक बात है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि अगर किसी बलात्कारी या बलात्कार के मामले में आरोपी को जनता के हवाले कर दिया जाए तो ये भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। 21 राज्यों में किए गए सर्वे में लगभग 11,000 पुलिसकर्मी और लगभग 12,000 उनके परिवार वालों को शामिल किया गया था। हैरान करने वाली बात तो ये है कि देश के हर दूसरे पुलिसकर्मी को लगता है कि आमतौर पर मुस्लिम अपराधों से जुड़े होते हैं या वे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होते हैं, इसलिए कई मामलों में पुलिस उन्मादी भीड़ द्वारा मारे गए व्यक्ति के पक्ष में कोई सबूत साबित नहीं कर पाई, जैसे तबरेज अंसारी मामले में हो या अलीमुद्दीन अंसारी के मामले में। मॉब लिंचिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब भी सबूतों के अभाव में इनके आरोपियों को जमानत दे दी गई। अलीमुद्दीन अंसारी के आरोपी जब जेल से बाहर आए तो बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने तो उन्हें फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। तात्पर्य ये है कि गौरक्षा के नाम पर या किसी भी अपराध की सजा देने के लिए जिस भीड़ के खिलाफ सख्त कानून बनकर उन्हें सजा का प्रावधान हो, वहाँ प्रशासन और हमारे नेताओं की बदौलत उनका प्रोत्साहन और बढ़ाया जाता है। ऐसे में न्याय की गुंजाइश रखना कितना सही है और कितना गलत, ये आप समझ ही गए होंगे। आशीष कटारिया के साथ मीना कोटवाल, जय भारत, जय भीम।